वेलकम टू एग्जॉटिक डाइन, दिस इज़ मी स्वाति और आज मैं आपके साथ बनाने जा रही हूँ एक ऑल टाइम फेवरेट स्नैक जिसे देखते ही हमारे मुंह में पानी आ जाता है। जी हाँ, आज हम बनाएंगे चीज़ बॉल्स। तो आइए शुरू करते हैं चीज़ बॉल्स बनाना। चीज़ बॉल्स बनाने के लिए हमें बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत नहीं होती और ये इजीली अवेलेबल हैं। आज हम कॉर्न चीज़ बॉल बनाने जा रहे हैं। तो आज जो मैंने इंग्रेडिएंट्स लिए हैं उसमें आलू, पनीर, कॉर्न और कैप्सिकम है। सबसे पहले यहाँ पर जो हमने बॉयल्ड आलू लिए हैं उनको मैं ग्रेट कर लूँगी। आप चाहें तो इसको मैशर से मैश भी कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पर ग्रेट कर रही हूँ। और इसी के साथ में मैं ये पनीर जो कि मैंने घर में बनाया हुआ है, आप बाज़ार का पनीर ले सकते हैं, इस पनीर को भी मैं इसी के साथ में ग्रेट कर लूँगी और इसका एक स्मूथ सा डो बना लूँगी। ये जितना अच्छा मसाला हमारा बनेगा, जितना स्मूथ होगा, स्मूथ का मतलब मेरा यहाँ पर है कि इसमें कोई भी गुठलियाँ ना हो और ये बहुत आसानी से आटा जैसा लग जाए। अब मैं यहाँ जो बिस्किट हमने लिए थे उनको क्रश करके उनका क्रम्स बना लूँगी। ये मैं बेसिकली इसलिए डालती हूँ कि इससे जो मॉइस्चर होता है, एक तो वो भी ये सोख लेते हैं और इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अब हमने जो पनीर और आलू का डो बना के रेडी किया था उसमें मैं कॉर्न मिक्स कर लूँ और इसी के साथ साथ जो कैप्सिकम और प्याज हमने चॉप करके रखा हुआ था उसको भी मिक्स कर लेंगे। और अब इसके अंदर हम कुछ मसाले डाल देते हैं। यहाँ मैं काली मिर्च का पाउडर इसके अंदर डालूँगी, साथ ही चिली फ्लेक्स जो मैं 2 टेबल स्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, और मिक्स्ड हर्ब्स, और थोड़ी सी मैं इसके अंदर ग्रीन चिलीज़ भी मिला रही हूँ। और साथ में जो हमने बिस्किट के क्रम्स बनाए थे अब उनको हम मिक्स कर देंगे और बस रेडी है हमारा डो। सॉल्ट आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल दीजिए और बहुत अच्छी तरह से इसको मैश कर दीजिए। आप ये जितना स्मूथ बनाएंगे आपके चीज़ बॉल्स उतने ही अच्छे बन करके आएंगे। तो यहाँ हमें थोड़ा सा एफर्ट करना पड़ता है। ये देखिए मेरा डो ऑलमोस्ट रेडी हो गया है। मैं इसको हाथ से और ज़्यादा स्मूथ बना लेती हूँ जिससे मेरे चीज़ बॉल्स बहुत ही अच्छे बन करके आएँ और उनमें क्रैक्स ना आए। अब मैं यहाँ पर स्लरी बना लेती हूँ। इसके लिए मैंने 4 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर लिया था। इस कॉर्नफ्लावर के अंदर पानी मैं मिक्स करके स्लरी बना लूँगी। आप पानी कभी भी एक साथ ना डालिए, उसको थोड़ा थोड़ा करके डालिए। और हमें बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं चाहिए स्लरी और बहुत थिक भी नहीं चाहिए। साथ ही मैंने मोज़रेला चीज़ को छोटे छोटे क्यूब्स में काट करके रख लिया है। आप जब बनाना शुरू कर रहे हो तो मैं सबसे पहले हाथ पे थोड़ा सा पानी लगा के हाथ को गीला कर लूँगी। आप चाहें तो ऑयल भी लगा सकते हैं। इसको हाथ पे अच्छी तरह फैलाने के बाद मैं इसके अंदर जो मोज़रेला का हमने क्यूब रखा था उसको मैं सेंटर में रख दूँगी और इसको पूरी तरह से पैक कर लूँगी और धीरे धीरे हाथ से इसकी बॉल बना लूँगी। आप दोनों हाथों की मदद लेकर के बॉल बना सकते हैं, लेकिन आप इस तरह का बनाएं कि आपका क्यूब पूरी तरह से कवर हो जाए। सबसे पहले मैं इसको एक बार ड्राई जो हमने ब्रेड क्रम्स लिए हैं उनके अंदर करूँगी। हम स्लरी में पहले नहीं करेंगे, हम पहले एक बार ड्राई ब्रेड क्रम्स में करेंगे जिससे हमारी कोटिंग डबल कोटिंग हो जाएगी और वो क्रिस्पी बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो ये देखिए मैं ड्राई ब्रेड क्रम्स के अंदर इसको कोट कर रही हूँ और ये अब रेडी हो गए हैं। अब इसके बाद मैं इनको स्लरी में एक बार को वापस कोटिंग करूँगी। स्लरी में जब भी आप डालें तो एक बार स्लरी को अच्छी तरह मिक्स कर लें, अदरवाइज़ कॉर्नफ्लावर नीचे उसमें जम जाता है। और अब मैं इस चीज़ बॉल को वापस एक और कोटिंग दे रही हूँ और इस तरह देखिए मैंने सारे जितने भी मेरे चीज़ बॉल्स थे उन सभी को मैंने डबल कोटिंग कर दिया है और अब ये रेडी हो गए हैं। अब इनको हम फ्राई करने से पहले 10 मिनट के लिए हम फ्रिज में रख देंगे। इस बीच में हम लोग डिप की तैयारी कर लेते हैं। तो डिप बनाने के लिए, क्योंकि ये चीज़ बॉल्स जो हमने बनाए हैं वो बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, तो हम थोड़ी सी स्पाइसी डिप बनाएंगे। उस डिप को बनाने के लिए मैंने 2 टेबल स्पून चिली सॉस लिया है और उसके साथ 1 टेबल स्पून टमाटो सॉस लिया है और उसी के साथ मैंने इसके अंदर थोड़ा सा चिली फ्लेक्स और मिक्स्ड हर्ब डाल दिया है और हमारी डिप रेडी हो गई है। अब मैं इन्हें वापस फ्रिज में से बाहर निकाल लाई हूँ और अब ये रेडी हैं फ्राई होने के लिए। हमने यहाँ पर मीडियम फ्लेम पर ऑयल रखा है। सबसे पहले मैं एक डाल करके देख लेती हूँ, अगर आपको लगता है कि आपका फट रहा है, वैसे कोई चांस नहीं होता है इसमें, लेकिन फिर भी आपको लगता है तो आप इसकी एक और कोटिंग भी दे सकते हैं। अब मैं धीरे धीरे इनको फ्राई कर लूँगी। देखिए ये हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके। अब मैं इन्हें बाहर निकाल लूँगी और टिश्यू पेपर पर ले लूँगी और बस रेडी हैं हमारे चीज़ बॉल्स।
अब इनके ऊपर चीज़ बॉल्स नाम है, तो थोड़ा और चीज़, चीज़ एंड सम मोर चीज़, मैं थोड़ा सा चीज़ इसके ऊपर ग्रेट कर दूँगी। आई होप आपको ये चीज़ बॉल्स बहुत पसंद आएंगे और आप इन्हें बहुत एंजॉय करेंगे। सो हैव एन एग्जॉटिक डाइन विद योर लव्ड वंस।